छुपाइयों हाथ उठाओ तो फिर छोए की अयो आओ बोली गोविंद भगवान की। महाराज विश्वामित्र को दादा पता चला है कि राम को जन्म हो गया तो विश्वामित्र वहां से चले हैं कि विश्वामित्र महामुन ज्ञानी बसई विपन्न शुभ आश्रम आनी। महाराज विचार कियो है विश्वामित्र चले हैं राजा दशरथ के दरवाजे आए हैं। राजा दशरथ ने जवाब दियो अरे संत जी आज कैसे आना हुआ केई कास आगमन ये तुम्हारा कहो सो करत न लावऊ बारा नाथ आज तुमने कैसे मेरे भवन में चरण रख दिए हैं। सुंदर आसन डाल दिया आसन पे बैठा लियो। विश्वामित्र ने जवाब दियो राजा हम तो से कछु मांगे आए। बोले मांग ले आपको क्या चाहिए। बोले हमें चाहिए अपने राम लक्ष्मण को हमें दे देवो। विश्वामित्र दादा राम लक्ष्मण को मांगने क्यों आए पता है ना कि विश्वामित्र की कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होती थी। जो यक्ष थे ना वो विश्वामित्र की यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे। तो महाराज दशरथ ने जवाब दियो बाबा का मांग रहे हो बुढ़ापो आइयो चौथा पन बीत गया है तब जब पूजी पाई सो तुम मांगवे को चले आए हो। चाहे कुछ भी मांग लो लेकिन मैं राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता मैं राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र ने देखा कि ऐसे राजा न समझे गुरु वशिष्ठ को याद किया है। तब वशिष्ठ जी आए कि तब वशिष्ठ बहु विद समझावा नृप संदेह नाश कहे पावा। जवाब दियो राजा पुत्रों को भेज देवो राम लक्ष्मण को दे दो। आज गुरु की बात मानी है राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के संग में भेज दिया। दादा चले जात मुन दीन दिखाई सुन ताड़ का क्रोध करे भाई। ताड़े का सामने आई है भगवान ने ताड़े का को बद कियो है और आगे बढ़े तो राम ने विश्वामित्र ते कही है एक बात बता दूं। राम के पूरे वंश के गुरु थे वशिष्ठ सिर्फ राम के गुरु थे विश्वामित्र। विश्वामित्र ने वशिष्ठ पहले ही बोल दिया था कि राम के गुरु हम बनेंगे तो विश्वामित्र राम के गुरु हैं। राम ने जवाब दियो है कि आप प्रातः कहा मुने सुन रघुराई निर्भय जग करो तुम जाई निर्भय हो करके आप यज्ञ करो मैं यक्षों की रखवाली पे खड़ा हूं। भगवान ने यक्षों को मारा विश्वामित्र ने यज्ञ करी है बड़े प्रेम से कि तहां पुने कहो क दिवस रघुराया रहे कीन विप्रवर दाया। कछु दिन तक रघुराई वहां साथ रहे हैं ना श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। इधर दादा मैया सीता ने बचपन में भोले बाबा के धनुष को उठा लिया। एक बार राजा जनक के महल में उत्सव था कहते मकान कितना भी पक्का हो दादा अगर थोड़ी सी जगह लीपन के लिए ना हो तब तक वो मकान शोभा नहीं देता। तो वो धनुष रखा था ना मैया सीता लीपन कर रही थी देवियों एक हाथ से भोले बाबा के धनुष को उठा लिया। राजा जनक ये दृश्य देख रहे हैं मन में विचार कर रहे हैं कि ये भोले बाबा के धनुष को अच्छे अच्छे वीर ना उठाए पाए और सीता ने एक हाथ से उठा लिया ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। प्रण किया है कि जिस महावीर की महाशक्ति ये धनवा तोड़ गिराएगी बस उसी वीर को निर्विवाह जानकी विवाही जाएगी। प्रण किया है जो ये धनुष को तोड़ देगा उसके साथ में अपनी बिटिया सीता का विवाह कर दूंगा।
दादा श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं, ये धनुष कहाँ से आया था? जनक के महल में ये धनुष कहाँ से आया था? एक बार रावण ने तपस्या करी ये भोले बाबा की। भोले बाबा प्रसन्न हुए, बोले मांग ले बो। बोले नाथ अपने धनुष को हमें दे दे बो। भोले बाबा ने जवाब दिया, रावण धनुष मांग रहा है, अगर तेने धनुष को कहीं रख दिया तो दोबारा धनुष को उठा नहीं पाएगा। बोले मैं कहीं नहीं रखूंगा, सीधा राज को ले जाऊंगा। तो भोले बाबा ने धनुष को पकड़ाए दियो। अब रावण वहां से चला, दो चार कदम चले पाऊ, रावण के पेट में सात समुद्र समाई गई। रावण को बड़ी तेजी से लघु शंका लगी है। देव ऋषि नारद को आते हुए देखा, जवाब दियो, बाबा मेरे धनुष को पकड़ ले बो, मैं अभी आ रहा हूं। बोले जल्दी आना। बोले ठीक है। धनुष को पकड़ाए कि और रावण चला गया। एक घंटा बीत गया, रावण नहीं आया। दो घंटे बीत गए, रावण नहीं आया। तीन घंटे बीत गए, रावण नहीं आया। नारद ने धनुष को रखा और चले गए। उसके बाद जब रावण आता कहां से, पेट में सात समुद्र बैठ गए। उसके बाद में रावण आया दादा, तो धनुष को उठाता रहा, लेकिन धनुष को उठा नहीं पाया। और राजा जनक का राज सामने दिखाई दे रहा था। राजा जनक ने सुबह उधर गए हैं ना, तो धनुष को देखा, उठा तो नहीं पाए, लेकिन वो धनुष को खिंचवाए के पे महलों में रख लिया। ये वही धनुष है जो मैया सीता ने एक हाथ से उठा दिया। दादा ये धनुष बना हुआ किसका था? महात्मा दधीच की हड्डियों का, पिकनांग हड्डियों का बना हुआ था। सीता ने जब धनुष उठाया तो उम्र कितनी थी? 5 साल 5 महीना 7 दिन की। जब मैया ने धनुष को उठाया, ध्यान रखें, उधर महाराज राम लक्ष्मण विश्वामित्र के संग में है। राजा जनक ने हर जगह पत्र दिया, हर जगह। एक पत्र विश्वामित्र के लिए भी गया था। उस समय विश्वामित्र कुवार की शुक्ल पक्ष को एकादशी के दिन आजमगढ़ में थे। वहां पत्र पहुंचा है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को पत्र दिया, सबको पत्र दिया। विश्वामित्र ने पत्र को देखा और राम लक्ष्मण को संग में लियो दादा, निकल पड़े। पत्थर का एक शिला पड़ाए तो महाराज वो पत्थर का शिला वो गौतम ऋषि की नार अहिल्या जो इंद्र के साथ कलंकित थी। महाराज एक बार इंद्र ने चंद्रमा से कहा, वीरन एक बात सुनो, आप वहां चलना, गौतम ऋषि की नार अहिल्या है ना, वो बहुत सुंदर है। और गौतम ऋषि सुबह 4 बजे शिव को मुहूर्त में गंगा स्नान करने जाते, तो आप मुर्गा बन करके रात्रि के समय चलो, बांछल करेंगे चल के। दादा जवाब दियो है कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। द्वारे पे
महाराज जवाब दियो है और कहा, बोले मैं नहीं बन सकता। बोले आपको बनना पड़ेगा। बोले ठीक है। रात्रि के समय में दादा चंद्रमा मुर्गावन की आवाज लगाई है ना, तो गौतम ऋषि ने देखा कि सुबह हो गया। दादा क्या किया के बादर थारो आवाज लगाई तो गौतम ऋषि ने कमंडल को उठाया और गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। जब पहुंचे हैं ना तो गंगा मैया ने जवाब दिया, अरे गौतम का पागल हो, अरे समय भी नहीं देखते हो, स्नान करने के लिए चले आए हो, तुम्हें कछु पता है? बोले का है गो मैया? बोले सुन ले, तू रात्रि के समय घर से काय को निकल लो है? छिप करके एक चोर आया, तू काए घर छोड़ आया, तू निकला काए घर से, तेरे घर में छिप करके एक चोर आया, तू काए घर छोड़ आया, ए तेरे घर में होई रही चोरी। नारद वो समझे, तेरे घर में होई गई चोरी है, जा चोरी नहीं छोरी है, तू निकला काए घर से, तेरे घर में छिप करके एक चोर महाराज ध्यान रखें जवाब दियो। तो गौतम ऋषि वहां से दादा धरे भागे। देखा तो अहिल्या को श्राप दे दिया, पत्थर की बन गई है वो पत्थर का शिला,
पड़ा है और चंद्रमा तो वहां से भाग गए इंद्र। तो महाराज विश्वामित्र ने जवाब दिया, राम से कहा कि उद्धार करो, भगवान की पैर की ठोकर कुछ धूल के कण कड़े हैं ना, वो पत्थर के तरफ पड़े हैं। तो बड़ी सुंदर सी स्त्री बन के आकाश कोर चली गई कि गुरु विश्वामित्र के कहने पे अहिल्या का उद्धार किया, इंद्र के साथ कलंकित थी उन पापों से भी पार किया। दादा भगवान आगे बढ़े है ना, तो उधर मैया सीता देवी पूजन करने के लिए फूलबाग में आई और इधर से राम लक्ष्मण विश्वामित्र के संग में चली। दादा एक बात बता दूं, जनक ने हर जगह पत्र दिया, हर जगह, लेकिन अवधपुरी में कोई पत्र नहीं दिया था। अवधपुरी में दादा पत्र नहीं गया था, क्या कारण है जो अवधपुरी में पत्र नहीं गया? महाराज कारण ये है कि एक बार राजा जनक के राज्य में एक संत तपस्या कर रहे थे, तो वहां से पतवृता स्त्री उसके पति के तन में कोड़ था वो कंधे पर रखे ले जा रही थी। संत के कमंडल में पैर लगा, कमंडल लुढ़क गया। संत ने कहा कि पति के मद में आकर के तू समझ नहीं पाई है, एक संत के कमंडल को लुढ़का दिया जा, जैसी सुबह होगा ना तेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। पतवृता ने जवाब दिया, बाबा अगर मैं सच्ची पतवृता हूं तो सुबह नहीं होने दूंगी, सूरज को ही नहीं निकलने दूंगी, अगर सूरज में दम होना तो वो निकल के दिखा ले। महाराज जब पतवृता ने ये कही है तो दो चार दिन हो गए सूरज नहीं निकले। राजा जनक ने देखा कि राज्य में अंधेरा कैसा छाया, तो राज्य से बाहर निकले, देखा दादा संत और पतवृता में जंग छिड़ी है मैया। तो बड़े बड़े संतों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि अगर कोई पतवृता स्त्री कच्चे धागा से कच्चे घड़ा में कुआ से पानी निकाल देवे, इसके पति के ऊपर डाल दे, कोड़ भी ठीक हो जाएगा, सूरज भी निकल आएंगे। जनकपुरी में कोई नहीं निकला, खबर गई है अवधपुरी में तो केकई सिंगार करने लगी है, मैतरानी आई भी बहुत चालाक रहे। जवाब दियो बहना जी, छोटो पूरो काम दास दासियां कर सकती, और रानी को जावे को का काम है? वो मैतरानी ने 16 सिंगार किए, वहां से चली पति के चरणों में ध्यान किया, कच्चे धागा से और कच्चे घड़ा में कुआ से पानी निकाल दियो, उसके पति के ऊपर डाला, कोड़ भी ठीक हो गया, सूरज भी निकल आई। राजा जनक ने देखा कि इतना बड़ा काम एक मैतरानी कर सकती है, तो हमारी बिटिया को कहूं मैतर न विवाह ले जाए। तो जनक को संशय था, इसलिए कोई अवधपुरी में पत्र नहीं दिया था, ये कारण था। मैया सीता इधर फूलबाग में पहुंची, उधर राम लक्ष्मण चले हैं रघुराई, पहुंचे फूलबाग में we
लखन ब्रात के संग में बैठे पहुंचे हैं देवियों। इधर से मैया सीता चली है। सीता के संग में एक बड़ी चतुर सहेली रहे तो बड़ी चंचल स्वभाव की मैया वही फूल बाग में पहुंची। वह पूरे बाग में घूमने लगी। नजर प्रभु राम के तरफ पड़ी है। दौड़े के सीता के पास आई। जवाब दियो बहना, हमें ऐसा लग रहा हो कि राम बगिया में आ गई। बोले हाँ, बोले हाँ दीदी, राम बगिया में आई है ना। और सीता की कलाई को पकड़ो भाई, खड़ो कर दियो, देख ले प्रभु राम कितने सुंदर हैं। दादा के देख राम छब सिया मत अटकी, और सिया छब देख राम मत अटकी। बहुत सुंदर है सीता तुम्हारा जी की बंध गए प्रेम की डोर नमी। चित चोर आप चित चोर भये, सीता की सूरत जब देखी राघव के नैन चकोर भये। बहुत सुंदर है सीता। अब सीता मन में विचार कर रही कि हमें बर प्रभु राम जैसे मिल जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। मैया मन में विचार कर रही है। वहां से आई देवी पूजा की है तो मैया ने जवाब दिया। अरे सीता, बोले हाँ मैया। और मन में विचार कर रही सीता कि हमको ऐसे ही साजन मिल जाते मेरी सब मन की हुई। मैया सीता मन में विचार कर रही है